दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको HDFC बैंक की मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। गाइज यहाँ पे आप फाइनली देख सकते हैं मुझे क्रेडिट कार्ड मिल चुका है। अगर आपको भी HDFC बैंक की क्रेडिट कार्ड लेना है तो फाइनली गाइज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई की लिंक मिलेगी। दोस्तों उस लिंक पे क्लिक करके जैसे जैसे प्रोसेस की गई है वैसे वैसे प्रोसेस करके आप जो है बिना किसी इनकम प्रूफ के आप जो है इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। फाइनली गाइज आज के इस वीडियो में हमने आपको HDFC बैंक की क्रेडिट कार्ड को अनबॉक्सिंग करके दिखाया कि HDFC बैंक की मिलेनिया क्रेडिट कार्ड किस प्रकार से होती है, इस क्रेडिट कार्ड की कितना लिमिट है, कैसे आपको एक क्रेडिट कार्ड मिलेगी, यहाँ पे हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया है। गाइज ये HDFC बैंक की जो पैक है हमें जो है बाई पोस्ट रिसीव्ड हुई है। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं मेरी जो भी एड्रेस है यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस देखने को मिलती है। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं योर नेक्स्ट वैक्सीन डिलीवर्ड लिखा हुआ है। अब गाइज इसके पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। और गाइज आप जो है इसे देख सकते हैं ये जो है पूरा सील पैक रहता है। गाइज जो हम जो है इसे यहाँ पे खोलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही आप इस पैक को खोलेंगे यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगी। गाइज इसको जो है मैं जो इसे साइड में कर लेता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पूरी कंप्लीट एड्रेस दी गई है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको जो है काफी प्रकार की बॉक्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं ये HDFC बैंक की क्रेडिट कार्ड की यहाँ पे जो भी टर्म एंड कंडीशन है उनके बारे में यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। फाइनली गाइज आप देख सकते हैं आप जो है इसे रिन्यू करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। फाइनली गाइज हम जो है इसे साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे भी गाइज देख सकते हैं आप HDFC बैंक की तरफ से मुझे मिला है यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। फाइनली गाइज जब आप इस क्रेडिट कार्ड को पूरी कंप्लीट तरीके से रीड करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। बट गाइज इसको भी हम इधर साइड में कर लेते हैं। अब यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बारे में यहाँ पे कंप्लीट चीजें बताई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन। दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्जेस के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं मिनिमम रिपेमेंट यहाँ पे अमाउंट की ऑप्शन मिलती है कि आप जो है इस क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं तो यहाँ पे आप जब रिपेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, कितना फाइन लगता है, यहाँ पे ये सारी चीजें बताई गई है। गाइज इसके पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी चीजें की बारे में बताई गई है। यहाँ पे आप रीडिंग करेंगे तो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो EMI कन्वर्जन चार्जेस के बारे में बताया गया है। यहाँ पे चार्जेस ऑन रिवॉल्विंग क्रेडिट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे गाइज आपको और भी काफी सारी चीजें बताई गई है। फाइनल गाइज आप जो है इसे रीडिंग करेंगे यहाँ पे कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। अब गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे HDFC बैंक की लोगो देखने को मिलेगी। और गाइज यहाँ पे आपको HDFC बैंक कॉन्टेक्ट लेस क्रेडिट कार्ड गाइड के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि व्हाट इज HDFC बैंक कॉन्टेक्ट लेस क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे गाइज आपको ये सारी चीजें बताई गई है। यहाँ पे गाइज बताया गया है कि एक क्रेडिट कार्ड जो है कैसे काम करेगी। यहाँ पे आपको सब चीजें FTA by FTA करके बताया गया है। यहाँ पे आप जब रीडिंग करेंगे तो यहाँ पे कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। अगर गाइज इसके पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइज इस क्रेडिट कार्ड की बेनिफिट के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे आपको इस क्रेडिट कार्ड की क्या क्या बेनिफिट मिलती है। फाइनली गाइज इसको भी हम इधर साइड में कर लेते हैं। अब गाइज हम बात करते हैं यहाँ पे हमें जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड की गई है उसके बारे में। यहाँ पे गाइज देख सकते हैं ये पेज जो है हमें इसी पैकेज के अंदर से मिला है। यहाँ पे गाइज लिखा हुआ है कि अपने HDFC बैंक की क्रेडिट कार्ड के लिए 4 अंकों का पिन बनाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किसी का पालन करें। यहाँ पे गाइज आपको हेल्पलाइन नंबर देखने को मिलते हैं। फाइनल गाइज आप जो है हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल करके आप अपनी क्रेडिट कार्ड की पिन बना सकते हैं। यहाँ पे आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। यहाँ पे आप मोबाइल बैंकिंग को इस्तेमाल करके बना सकते हैं या फिर गाइज यहाँ पे HDFC बैंक के ATM में विजिट करके यहाँ पे आप अपनी क्रेडिट कार्ड की पिन जो है जनरेट कर सकते हैं। और गाइज इसके पीछे की तरफ बात करें तो इसी चीजों को यहाँ पे आपको जो है इंग्लिश में बताई गई है। गाइज इसको भी साइड में कर लेते हैं। और गाइज इस पेज में बताया गया है कि आप जो है व्हाट्सएप बैंकिंग यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारी चीजें बताई गई है। और गाइज यहाँ पे हम बात करते हैं जो मुझे क्रेडिट कार्ड फाइनली मिला है उसके बारे में। यहाँ पे गाइज आपके क्रेडिट कार्ड की नंबर देखने को मिलते हैं। और गाइज यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड की कितना लिमिट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। गाइज हमें जो है यहाँ पे 50,000 की लिमिट मिली है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यानी कि गाइज मुझे जो क्रेडिट कार्ड मिली है उसकी लिमिट जो है 50,000 रुपया है। और गाइज यहाँ पे एक चीज और बता दो कि मेरी उम्र जो है अभी 18 साल जस्ट हुई है,
फिर भी हमें HDFC बैंक जो है क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है, जो कि गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है कुछ इस प्रकार से क्रेडिट कार्ड देखने को मिलते हैं। और गाइज यहाँ पे आपको जो है एक बार कोड देखने को मिलती है। और गाइज इसके पीछे की तरफ बात करें तो इसी के बारे में बताया गया है कि कैसे आपको इस क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना है, कैसे आप जो है इसकी पिन को जनरेट करेंगे। यहाँ पे गाइज ये सारी चीजें को बताया गया है। फाइनल गाइज इसको फाइंड में करते हैं। अब गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। और गाइज इसके पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। फाइनल गाइज यहाँ पे कार्ड की जो CVV नंबर है, यहाँ पे कार्ड नंबर जो है उसे मैं यहाँ पे छिपा रखा हूँ। आप गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। अब गाइज हम बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को आपको जो है कैसे एक्टिवेट करना है। देखिए गाइज आप अपनी नेट बैंकिंग को लॉगिन करेंगे और गाइज वहां पे आप जो है बहुत ही आसानी से आप अपनी क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। फाइनली गाइज उम्मीद करता हूँ कि HDFC बैंक जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है, जो उसका पैकेज होता है, उसका मैंने अनबॉक्सिंग करके दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। यहाँ पे गाइज एक चीज और बता दूं कि अगर आपको भी क्रेडिट कार्ड लेना है तो फाइनल गाइज आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है। फाइनल गाइज उस लिंक पे क्लिक करके आप जो है बहुत ही आसानी से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर पे कमेंट कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, फिर मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।